उधर दो दिन पहले आए भूकंप के तेज झटकों से ताइवान में भारी तबाही मची। जिन झटकों से ताइवान दहल उठा उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई थी, जो कि इतना ताकतवर था कि उसने बड़े से बड़े पुल को भी एक झटके में किसी खिलौने की तरह तबाह करके रख दिया। ड्रोन से ली गई जो फुटेज सामने आई उसमें एक पुल बुरी तरह टूटा हुआ नजर आया। उस पुल के बड़े हिस्से में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वो जमीन में धंस गया। भूकंप के तेज झटकों ने उसे इस कदर हिलाकर रख दिया कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो पटरी से तेज रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन उतर गई हो। कई किलोमीटर लंबे उस पुल की इस हालत ने यह बयां कर दिया कि भूकंप ने ताइवान में दूसरी जगहों पर भी कितना नुकसान पहुंचाया होगा। इस बीच भूकंप के तेज झटकों से मेक्सिको दहल उठा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई और उसका केंद्र कोलिमा शहर के दक्षिण हिस्से से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया गया। भूकंप की चपेट में आने से वहां एक शख्स की जान चली गई और उसकी तीव्रता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झटके राजधानी मेक्सिको सिटी तक महसूस किए गए। वहां भूकंप के झटकों से एक जगह ट्रैफिक सिग्नल हिलता नजर आया। इन हालात में कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ भाग निकले। लोगों के सड़कों पर आने से वहां हलचल बढ़ गई और वो भी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह को तलाशने में जुट गए। ऐसे में वहां का प्रशासन भी अलर्ट हो गया। इन हालात में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लोगों का हौसला बढ़ाया। सड़कों से एम्बुलेंस का आना जाना बढ़ गया। कई लोगों को भगदड़ मचने के दौरान चोटें भी आईं, जो सड़क किनारे रोते नजर आए। उनके इलाज के लिए वहां डॉक्टरों की टीम तैनात दिखी।